लोकसभा चुनाव आते ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी जन चेतना यात्रा आरंभ कर दी है। आपको बता दें कि शिमला से आरंभ हुई जन चेतना यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए नौणी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। नौणी पहुंचने पर कुलदीप राठौर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जन चेतना यात्रा पूरे प्रदेश में की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की विफलताओं पर व 5 साल के कुशासन के बारे में अवगत करवाना है और साथ ही प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये इस जनचेतना यात्रा के दौरान वे मौजूदा सांसद की विफलताओं को भी लोगों के सामने उजागर करेंगे। राठौर ने कहा कि जिस तरह से जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज से जो है जन चेतना यात्रा की शुरुआत की है और आज हमने शिमला से इस यात्रा की शुरुआत की है और हम जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ से होते हुए आज यहाँ पहुँचे। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जो विफलताएं रही हैं और 5 साल का जो उनका देश में कुशासन रहा है और जो प्रदेश सरकार है उनकी जो असफलताएं रही हैं और जो हमारे मौजूदा सांसद हैं उनकी विफलताओं को हम जो है जनता के बीच में जाकर जो है उजागर कर रहे हैं। और जिस ढंग से जन समर्थन हमें मिल रहा है और भारी संख्या में लोग जो है हमसे मिलने आ रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार की दिल्ली में जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जन चेतना यात्रा जो है इसका समापन 14 तारीख को बद्दी में एक बड़ी जनसभा के रूप में होगा। इस जनसभा को हमारी जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश में श्रीमती रजनी पाटिल और सह प्रभारी गुरकिरत सिंह जी संबोधित करेंगे। उसी तरह जो है ये जो जन चेतना यात्रा है ये जो हमारे दूसरे संसदीय क्षेत्र हैं कांगड़ा, वहाँ श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे विपक्ष के नेता है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में श्रीमती रजनी पाटिल और गुरकिरत सिंह जी, और मंडी में हम सब लोग मिलके जो है इस यात्रा का आयोजन जो है करने जा रहे हैं।